गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता वर्मा व्लॉग। और गाइस सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। हम लोग अच्छे हैं। ये मेरा पंडित चलना चा बच्चा यार अब ना चला जाएगा है ना। आलू की थाई है नानी की थाई नानी का नानी का आज चला जाएगा है ना। मन नहीं लगेगा फिर हमारा तो मन नहीं लगेगा भाई यार अब तेरे बिना। हाँ कैसे करेंगे फिर हम? ठीक है आरव खाना खा के आएगा। नानी बुला रही है उसको नीचे है। तो गाइस जब आरव जा रहा है नीचे खाना खाने जाओ। नहीं जाओ नानी बुला रही है। नहीं नहीं नानी जी बुला रही है। नहीं नहीं क्या पिटी पिटी कर देंगे फिर हम तेरी। जाओ जाओ जल्दी जाओ चलो। हाँ कहाँ कर रहा है आरव? तो गाइस आज तो आरव जा रहा है अपने घर है ना अपने पापा के पास जा रहा है। आज तो उसके पापा आ रहे हैं लेने है ना। आशवी भी जा रही है। कब आएगा तू फिर? आशवी तैयार हो गई। आशवी अब फिर कब आएगा तू? कब आऊंगा बताओ? वापस आ जाऊंगा। हैं वापस आ जाऊंगा। कब आओगे अब वापस? वापस आ जाऊंगा। शादी में भी तो शादी में घोड़ी पे नहीं बैठना? हाँ बैठना। किसकी शादी में? मामा। कौन से मामा की? की गोलू मामा की। गोलू मामा की शादी उसको घोड़ी बैठेगा या वो बैठेगा? नेहित नेहित भी तो बैठेगा। नहीं क्यों? नहीं बहुत छोटा है। बहुत छोटा नहीं है इतना छोटा तो नहीं है नेहित। छोटा सा वो गिर जाएगा अपने आप। अच्छा आप गिर गए तो आर को कहाँ से लेके आएंगे? फिर पापा चले जाएंगे अपने घर। हाँ आर को कहाँ से लेके आएंगे? और क्या तो इसलिए नेहित को बैठा देंगे। ठीक है आर को आरब बैठेगा। हाँ अच्छा बैठा नहीं छोटी घोड़ी बैठे। घोड़ी तो एक जैसी होती है छोटी बड़ी क्या? अरे नहीं छोटी घोड़ी में बैठे। ठीक है नाना जी नाना जी गए ऑफिस। आपने खाना खा लिया? हाँ। लंच कर लिया? हाँ। क्या खाया? गलिया। क्या खाया आरव ने? आलू। आलू ही खाते रहते बस आरव। और आश्वी आश्वी क्या कर रही है? वो जूदू पी ली। आए चाचा जी आश्वी को रख ले हम? नहीं। क्यों? नहीं वो रोती है। नहीं रोएगी वो रोती है। नहीं हम उसे चुप करा लेंगे। और क्या अपने आप? ये तो हेलीकॉप्टर है। तो गाइस सवा दो बज गए हैं और मैं बना रही हूँ खाना हर्षित के लिए क्योंकि भैया भी आने वाले हैं और नैन्सी भी आने वाली है भैया के साथ कनार से। और बस मैं अभी खाना ही बना रही हूँ। सब्जी तो मेरी बनी हुई है एक आलू गोभी पत्ता गोभी बटर की बनी हुई है। बस दाल और चावल बनाते हैं फटाफट से और सोच रहे हो हर्षित के आने से पहले रेडी हो जाए। बस चावल चढ़ा दिए और दाल में छौंका ही लगा रही हूँ मैं। बस अब प्याज काट लिया मैंने। एक दाल के गाइस डालते हैं जीरा। बंद कर दी थी क्योंकि तेज हो गई थी। क्या अब काट दी टमाटर। जा भी रहे हो तुम है ना।
चलो मिलेंगे परसों, है ना। बैग किसने किया? बैग नहीं, तेरा वाला बैग ले ले मेरा तो। चलो ठीक है भैया, बाय 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 जी, बाय बाय। तो गाइस भैया उन्होंने चले गए, खाना खाया उन्होंने, बस खाना खाने के लिए आए थे, फटाफट से ही खाना खाया, मैंने तैयार रखा हुआ था और बस आते ही चले गए, क्योंकि उनको दूर जाना है, करनाल जाना है, 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं तो, क्योंकि परसों फंक्शन स्टार्ट है उनके और हमें भी जाना है परसों, तो बस इसीलिए हमने रोका भी नहीं ज़्यादा। तो गाइस एकता भी जा रही है और कुणाल जा रहे हैं, अब देखते हैं, और अब क्यों ना तो मन में लगेगा कई दिन भैया। कपड़े पहने, कपड़े कपड़े नहीं पहने, अरे नंगू पंगू अरब, आज मम्मी चलाएगी गाड़ी, मैं ताला लगा दूं, आज मम्मी चलाएगी, हाँ मम्मी चलाएगी, मम्मी बहुत छोटी है, मम्मी छोटी है, तू बड़ा है, छोटी रानी को पाली तो कर दे, ना पाली तो कर दे मेरे कुत्ते, आज पाली तो कर दे, चल मोटी बाय 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 बाय। तो गाइस आज भी जा रही है, बाय बाय, अब नहीं करेगा कुछ भी, देखा गाइस जब मैंने लगाई है मशीन मैं सो गई थी 1.5 घंटा, क्योंकि मेरा सिर से घूम रहा था, आता नहीं, तो बहुत तेज सिर दर्द हुई और घूमे मैं सो गई 1.5 घंटा, फिर उठ के मैंने लगाई मशीन, बल्कि ये कह रहे थे कल धो लिए सुबह सुबह तब ठीक हो जाएगा, मैं कल का पूरा दिन जाएगा, कल मुझे बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि परसों जाने करनाल हमें फंक्शन है वहाँ पर गए, तो परसों निकल जाएंगे, मॉर्निंग में शाम तक आ जाएंगे, और तो बस इसलिए मैंने अभी मशीन लगा दी, 3-4 घंटे से कपड़े धोए, कपड़े हुए थे ढेर वाले, बस अब धुलने वाले हैं, और अभी मुझे लग रहा है 2 घंटे लग ही जाएंगे, अभी 8:30 बज गए हैं, 6 बजे लगा दी थी मशीन, और बस अभी सुखा के आ रही हूँ मैं। गाइस 12 बज गए हैं और काम निपटा नहीं रहते, मैंने कपड़े ढेर हो गए थे मेरे कपड़े, क्योंकि कई दिन से बस ऐसे ही अरब की वजह से मैंने धुल पाया नहीं, क्योंकि बच्चा फिर गीले में घूमता है बार बार, और आया गया भी लगा हुआ था, तो बस इसलिए मैंने टाइम ही नहीं मिला मिला ना धुल पाए, तो मैंने इसलिए मशीन लगा ली, ये तो कहते सुबह लगा लिए, अगर नहीं अभी लगा लेते धुल जाएंगे, क्योंकि एक तो मेरा खाना बना हुआ है, पूरा दिन खराब हो जाता है अगर दिन में लगाऊँ मशीन, तो खाना शाम को ही तो बनाया था खाना, तो मैं एक तो खाना बना हुआ है और मुझे टेंशन नहीं है कोई भी, मैं धुल जाएंगे तो धुल ही जाएंगे, और मैंने सब शादी में जो फंक्शन में जो डालने होते हैं थोड़े थोड़े से भी गंदे थे सब धो डाले, अभी प्रेस कर करके रखे जाएंगे, अब टेंशन नहीं रहेगी कोई, और कल सुबह लगाते ना तो मुझे पूरा दिन लगने वाला था, और कल मुझे बूटी पे भी जाना है अपने कपड़े अल्ट्रा वगैरह के लिए करना देने, और मार्केट भी जाना है, तो कल आम काफ़ी होने वाला है, क्योंकि परसों जाना है फिर हमें करना, इसलिए और गई जा रहा ना तब से बस उसकी याद आ जाएगी, उसकी बातें हम रिपीट करे जा रहे हैं, ऐसे बोलता था ऐसे बोलता है, बड़ा मसल बच्चा है ऐसे में। तो गई चलो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज, और कमेंट्स करके बताना हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, टेक केयर, गुड नाइट, और गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आगे बहुत शानदार शानदार ब्लॉग आने वाले हैं, शादी का मैं प्रॉपर दिखाऊंगी हमारे घर में कैसे फंक्शन होते हैं, कैसे हम अटेंड करते हैं, हमने पिछले भी अप्रैल में की शादी हमने अटेंड की होगी मेरे साथ, मैंने प्रॉपर ब्लॉग डाला था, दीदी की बेटी की शादी थी, तो गाइज बस ऐसे ही आगे और ब्लॉग आने वाले, जल्दी हमारे घर में शादी है 7-8 दिन में, तो बस आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर देना करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, प्लीज़ गाइज कर देना, बाय गाइज, टेक केयर।